the kitchen. Your mother every day use the spices to make a food, right? So our kitchen spices is very important for us. हमारे किचन के अंदर जो स्पाइसेस है वो हमको बहुत ही हेल्पफुल है. आपको पता नहीं है कि मम्मी अंदर जो जो खाने के अंदर जो जो स्पाइसेस डालती है वो हमारी बॉडी के लिए कुछ ना कुछ हमारा डिसीज क्योर करने के लिए यूजफुल होता है. तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते. और बेटर है कि घर का बना हुआ खाना खाओ, घर के मसाले से बना हुआ खाना खाओ, तो वो हमको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, राइट? अभी कोरोना चल रहा है, पता है ना सबको? तो कोरोना के अंदर आपने देखा होगा, तो जितने भी मैसेज पढ़े होंगे तो आपको बताया होगा कि सोंठ का यूज करो, राइट? ब्लैक पेपर का यूज करो. तो ब्लैक पेपर, सोंठ, देन लेमन का यूज करो. लेमन वो चीज क्या है? वो सारी हमारे किचन के रिलेटेड है, राइट? तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. इसलिए अभी देखो समर सीजन आ रहा है, तो सारे मसाले की स्पाइसेस की सीजन है सबके घर पे. सब मम्मी अभी टर्मरिक, चिली सब लेने जाएगी बाजार में, और वो अच्छे से अच्छी क्वालिटी का लेके आते हैं. क्यों अच्छी क्वालिटी का लेके आते हैं? क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, राइट? तो आज हम देखेंगे कि कौन सी स्पाइसेस हमारी बॉडी के लिए कैसे यूजफुल है वो आज हम देखेंगे. यहाँ देखो, राइट द यूजेस ऑफ द वेरियस स्पाइसेस गिवन बिलो. डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पाइसेस दिए गए हैं, वो हमारे बॉडी को कैसे यूजफुल है. तो सबसे पहले टर्मरिक, मतलब हल्दी. हर एक के किचन में हल्दी होता है ना, कैसे कलर का होता है? येलो कलर का, राइट? तो वो हमको किस में यूजफुल होता है? तो वो हमको यूज होता है टू रिलीफ फ्रॉम कफ, देखो, एंड फीवर. जैसे ही हमको कफ होता है या तो फीवर आ जाता है, बुखार हो जाता है, कफ हो जाता है, तो मम्मी सबसे पहले क्या करती है? हमको टर्मरिक, उसके साथ थोड़ा नमक देती है खाने के लिए, कच्चा खाने के लिए देती है, या तो फिर वाटर को बॉईल करके उसके अंदर डाल के पिला देती है. तो ऐसा जो एक्सपेरिमेंट है वो 2-3 दिन करोगे तो आपका कफ बिल्कुल गायब हो जाएगा, राइट? तो वो हमको क्या करता है? टू रिलीव फ्रॉम कफ एंड फीवर. और दूसरा जो है वो है अप्लाई ऑन द स्मॉल कट. अप्लाई ऑन द स्मॉल कट, दैट मीन्स कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्मॉल कट हुआ है, जैसे कि मम्मी वेजिटेबल छील रही है या तो कट कर रही है वेजिटेबल, और उसको नाइफ लग गया, चाकू लग गया, और बहुत सारी ब्लीडिंग निकल रही है, तो आप क्या करोगे? आपके किचन में दौड़ के जाओगे और उसमें से टर्मरिक लेके आओगे, हल्दी लेके आओगे, और जहाँ पे कट हुआ है वहाँ पे हल्दी लगाओगे. तो हल्दी के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि जो हमारा जो ब्लड जो फ्लो हो रहा है बॉडी के अंदर से, वो उसको स्टॉप कर देगा, वो बहने से रोक देगा. तो ये टर्मरिक की बहुत ही अच्छी खासियत है. और जैसे ही किसी को अगर हम गिर जाए, थोड़ा सा खून निकल आए, तो हमको उसके ऊपर वो वाम को पानी से धो के फिर उसके ऊपर टर्मरिक अप्लाई कर देना है. और बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है तो उसको पहले टर्मरिक अप्लाई करना है, फिर देखना है कि अभी भी खून बह रहा है तो फिर डॉक्टर के पास जाना है, राइट? ओके. तो ये टर्मरिक जो है वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है. और कोरोना के लिए हर रोज रात को आपको टर्मरिक और थोड़ा सा सॉल्ट खा के सो जाना है, तो आपको कफ कभी नहीं होगा, राइट? अब अजवाइन. स्टूडेंट्स, अजवाइन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है. वो हमको क्या करता है? देखो, टू रिलीफ फ्रॉम स्टमक के
अजवाइन जो है वो जैसे ही हमको पेट के अंदर दर्द करता है, जैसे कुछ उल्टा कुछ उल्टा खा लिया हो या तो ओवरलोडेड खा लिया हो जो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसके लिए अगर स्टमक में पेन होता है, स्टमक एक मतलब पेट में दुखना, तो हम अजमा खाते हैं, अजवाइन खाते हैं, तो वो हमारे दर्द को कम कर देता है या तो बंद कर देता है। एंड दूसरा गैस्ट्रो प्रॉब्लम, गैस्ट्रो मतलब जिसको भी जैसे जैसे ये जो जाती है तो गैस की प्रॉब्लम बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, राइट। तो हर रोज खाना खाने के बाद अगर अजवाइन खाओगे, जैसे हम सौंफ खाते हैं ना, फेनुग्रीक खाते हैं, वरियाली खाते हैं, तो ऐसे हम उपवास के अंदर माउथ फ्रेशनर के लिए हम अजवाइन खाएंगे तो हमारा गैस्ट्रो प्रॉब्लम दूर होगा। नाउ एसोफेटेरिया, एसोफेटेरिया मतलब वो क्या होता है, हींग। जैसे हमारे घर के अंदर मम्मी हींग यूज करती है, एसोफेटेरिया टू सॉल्व वो किस लिए यूज होती है, टू सॉल्व समा के स्टमक एंड गैस्ट्रो
conditioning used for the mouth freshener and indigestion. Students, what is the meaning of fennel seeds? Fennel seeds मतलब क्या? Fennel seeds मतलब जो बलियारी सौंफ आती है ना वो, तो वो हमको किसके लिए यूजफुल है? तो fennel seeds is used to make medicines, में से दवाई बनाई जाती है, right? आपको पता नहीं होगा जो overweight person है उनको fennel seeds का काढ़ा बना के देते हैं, right? उसके अंदर fennel seeds, अजवाइन एंड कोरिएंडर डाला हुआ होता है, तो उसके अंदर से वो काढ़ा बना के पिलाते हैं, तो जो ओवरवेट है, जिसका ज्यादा वेट है, तो धीरे धीरे वेट लूज होता है, फैट उसके अंदर से बर्न होता है. तो फेनिल सीड्स जो है वो दवाई के अंदर काम लगता है. यूज फॉर द माउथ फ्रेशनर. माउथ फ्रेशनर माउथ के अंदर से बैड स्मेल आ रही है, या तो माउथ को फ्रेशनिंग की जब जरूरत पड़ जाती है, जैसे कि बहुत स्पाइसी खाना खा लेते हैं तो कभी कभी ऑनियन की मुंह के अंदर से बैड स्मेल आती है, राइट? तो माउथ फ्रेशनर के लिए हम फेनल सीड्स यूज करते हैं, तो उसमें से जो खराब बैड स्मेल्स है वो चली जाती है. एंड इनडाइजेशन. इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है तो जिसको खाना जल्दी से पचता नहीं है और उसका फैट के अंदर कन्वर्जन हो जाता है, डाइजेशन नहीं होता, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, फैट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फिर मोटापा आ जाता है, राइट? तो उसके लिए फेनल सीड्स बहुत ही यूजफुल है. नाउ कोरिएंडर क्यूमिन पाउडर, इट इज यूज इन करी एंड करते हैं. एंड इन बैक्ड फूड, फूड को बैक करने के लिए हम यूज करते हैं. मे फाइट फॉर इन इन्फेक्शन. अगर बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन आ जाता है उसके सामने ये जो है कोरिएंडर क्यूमिन पाउडर, मतलब हम धनिया पाउडर बोलते हैं ना, और उसके अंदर धनिया के अंदर क्यूमिन पाउडर भी यूज होता है, क्यूमिन मतलब जीरा, राइट? तो ये दोनों का मिक्सर जो है वो हमारे बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन अंदर एंटर हो जाता है उसके सामने फाइट करते हैं, राइट? तो स्टूडेंट्स, ये हमारे थे वेरियस टाइप ऑफ स्पाइसेस का यूजफुल. हमारा किचन के अंदर इतनी अच्छी अच्छी इंग्रेडिएंट्स हैं, इतने स्पाइसेस अच्छे अच्छे हैं कि जैसे हमको मेडिसिन खाने की जरूरत कम पड़ जाए अगर हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो, राइट? ओके, नाउ मैच द फॉलोइंग. नाउ फेनिल सीड, तो फेनिल सीड जो है इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है. इट्स कलर इज ग्रीन. नाउ टर्मरी, टर्मरी कैसा होता है? इट्स कलर इज येलो. उसका येलो कलर होता है, राइट? नाउ चिली पाउडर, चिली पाउडर इट इज इट कलर इज रेड. रेड कलर का होता है जब सूखी वाली चिली होती है, हरी वाली होती है वो ग्रीन कलर की होती है, राइट? एंड पेपर, तो पेपर का कलर होता है इट इज ब्लैक इन कलर, राइट? तो स्टूडेंट्स, ये हमारा था यूजेस एंड मैच द फॉलोइंग. अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय.